press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. स्टार प्लस की पॉपुलर शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में जैसे कि अब तक आप सभी ने देखा कि शो में कई सारे कंसेंट स्टार है जहां अक्षरा सभी कमिटी के सामने आ जाती है और वो कहती है वो उसी समय थी जब रूबी अभिमन्यु के कैबिन में आई थी और वो कहती है कि अभिमन्यु निर्दोष है। वही कमिटी वाले अक्षरा से प्रूफ मांगते है तब अक्षरा सभी के सामने कहती है कि उसके पास वीडियो है जब रूबी अभिमन्यु के सामने आई थी और उसे पीछे से लग रही थी। इतना ही नहीं अक्षरा रूबी से कहती है कि अगर ये वीडियो वायरल हो गया तो उसकी बदनामी हो जाएगी। इतना ही नहीं ये बात सुनकर रूबी डर जाती है और वो सभी के सामने सच कहती है कि अभिमन्यु निर्दोष है और रूबी ये भी कहती है कि उसने ये सब इसलिए किया क्योंकि अभिमन्यु ने उसे नहीं बोला और वो ना नहीं सुन सकती थी इसलिए उसने अभिमन्यु को फंसाने की कोशिश की। जहाँ ये बात सुनने पर कमिटी वाले अभिमन्यु पे लगे सारे इल्जाम को खारिज कर देते हैं। वही तब जिसके बाद अभिमन्यु अक्षरा से थैंक यू भी कहते हैं। तब अक्षरा कहती है कि अगर उसकी जगह कोई और भी होता तो वो यही करती। वही अब आने वाले एपिसोड में आप सभी देखेंगे कि मंजरी को लगता है कि उसने आरोही को रिक्वेस्ट किया था इसलिए आरोही ने अक्षु को हॉस्पिटल भेजा था सभी के सामने सच बोलने के लिए। वही एक तरफ अभिमन्यु और उसके डैड के बीच में फिर से एक बड़ी लड़ाई हो जाएगी और तब मंजरी ये सब बातें सुनकर बेहोश हो जाएंगी। वही अभिमन्यु अपनी माँ को बेहोश देखते हुए काफी ही शौक हो जाते हैं। अब देखना यह है कि शो में क्या ट्विस्ट आएगा।